हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न रिद्धिमन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं। तो अभी हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं उनको देखिएगा। क्वेश्चन 1 है, राजस्थान में किन स्थानों से गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रण मिलते हैं? राजस्थान में किन जगहों से गुफाओं में आदि मानव ने जो चित्रण किए हैं वह मिलते हैं? तो वो स्थान है कोटा में दर्रा, जयपुर में बैराट और भरतपुर में दर। ठीक है, दर्रा जो कोटा में है, बैराट जो जयपुर में है और दर भरतपुर में। तो यहां से आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रण मिलते हैं। किसने 1953 ईस्वी में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित गुफाओं की खोज की? तो किसने की ये खोज की? बीएस वाकड़कर ने। किसने की? बीएस वाकड़कर ने। यहाँ पर देखिए तीन क्वेश्चन है और वो क्या है कि बीएस वाकड़कर ने कोटा में कहाँ पर गुफाओं की खोज की, चित्रित गुफाओं की खोज की? तो याद रखना है चंबल घाटी। ठीक है, और झालावाड़ में कहां पर खोज की चित्रित गुफाओं की? तो वह की काली सिंध घाटी पर, वहीं पर अरावली में, माउंट आबू में और ईडर में। यहां चित्रित गुफाओं की खोज किसने की? बी एस वाकड़कर ने। तो ये एक साथ ही यहाँ लिख दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। क्वेश्चन थर्ड है, राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ के भंडार कहाँ से मिले हैं? तो ये जो भंडार हैं ये जैसलमेर से मिले हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ के भंडार कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेदपाट, जिसे मेवाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। यदि मेवाड़ शब्द नहीं आता है तो आएगा मेदपाट। तो इन दोनों को नाम को याद रखना, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मेवाड़ को। मेवाड़ की चित्र शैली किससे प्रभावित है? तो मेवाड़ की चित्र शैली जो है वह किससे प्रभावित है? यह अजंता चित्र शैली से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? यह अजंता चित्र शैली से प्रभावित है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, पटवार का, आरएएस का, सभी में आपके राजस्थानी चित्रकला लोक कलाएं दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न जो है वही बनते हैं। क्वेश्चन 6 है, आनंद कुमार स्वामी ने किस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक में सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया? 1916 में। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? तो राजपूत चित्रकला जो है वह किसने कहा राजस्थानी चित्रकला को? यह कहा कुमार स्वामी ने, ओसी गांगुली ने और हैवेल ने। किस किसने कहा? कुमार स्वामी ने कहा, ओसी गांगुली ने और हैवेल ने। नेक्स्ट है, किसने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा? किसने कहा इंडियन पेंटिंग्स जो ग्रंथ है उसमें राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला? यह कहा डब्ल्यू एच ब्राउन ने। किसने कहा? डब्ल्यू एच ब्राउन ने। क्या कहा? कि राजस्थानी चित्रकला क्या है? राजपूत कला है। तो यहां पर हमने देखा कि कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवेल ये राजस्थानी चित्रकला को क्या कहते हैं? राजपूत चित्रकला। ठीक है, इसके अलावा इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? डब्ल्यू एच ब्राउन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने नाम दिया? तो इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया राय कृष्ण दास ने। किसने दिया? राय कृष्ण दास ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मेवाड़ शैली की प्रमुख शैली और उप शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्रमुख शैली और उप शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर है, देखिए
मेवाड़ शैली की प्रमुख शैली है चावंड शैली, उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली। इसके अलावा उप शैली है मेवाड़ शैली की देवगढ़ उप शैली, सावर उप शैली और शाहपुर उप शैली। ठीक है, याद रखना है कि शैली जो है वह मेवाड़ शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली है। इसके अलावा जो उप शैली है वह है देवगढ़ शैली, सावर उप शैली और शाहपुर उप शैली। क्वेश्चन 11 है, मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन कौन सी है? मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन सी है? तो यहाँ है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली और जैसलमेर शैली। तो जो मारवाड़ क्षेत्र में आती हैं, तो उन्हीं के नाम आप याद रखिएगा मारवाड़ शैली के अंतर्गत, जहाँ जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है, सिरोही शैली है और जैसलमेर शैली है। नेक्स्ट देखिए कि हाड़ोती शैली की प्रमुख शैली कौन कौन सी है? तो इसमें हाड़ोती क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बूंदी शैली है, कोटा शैली है और झालावाड़ क्या है, उप शैली है। हाड़ोती क्षेत्र की जो प्रमुख शैली है कौन सी है? बूंदी शैली है, कोटा शैली और झालावाड़ उप शैली है। तो क्षेत्र से संबंधित ही शैली है, आप लोग इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ढूंढाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन कौन सी है? ढूंढाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन कौन सी है? यह है आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली और अलवर शैली। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली और अलवर शैली, ये ढूंढाड़ शैली की प्रमुख शैलियां हैं। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के समय चित्रित ग्रंथ है। यह 1260 ईस्वी का चित्रित ग्रंथ है, जो कि मेवाड़ शैली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ के किस शासक का समय कला मेवाड़ के किस शासक का समय काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है? याद रखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय स्वर्णिम काल माना जाता है कलाओं के उत्थान का, इसी तरीके से मारवाड़ का, इसी तरीके से हांडोती क्षेत्र का, तो इनके याद आपको रखने ही हैं। तो यहाँ पूछा है मेवाड़ के किस शासक का समय जो है वह कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो यह महाराणा कुंभा के समय को कहा जाता है। अगला है, डगलस बैरेट एवं बैसिल गे ने किस शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है? डगलस बैरेट एवं बैसिल गे ने किस शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है? तो डगलस बैरेट एवं बैसिल गे ने चोर पंचारिका शैली का उद्गम कहाँ से माना है? मेवाड़ से माना है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय की कौन सी कृति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? महाराणा प्रताप के समय की कौन सी कृति है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? तो यह है ढोला मारू, जो कि 1592 ईस्वी में बनी थी। कौन सी कृति है? ढोला मारू, जो कहां सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। चावंड चित्र शैली, जो कि महाराणा प्रताप के समय आई थी, चावंड चित्र शैली का अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास पूछा है चावंड चित्र शैली का, तो यह हुआ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में। महाराणा अमर सिंह के प्रथम के समय में चावंड चित्र शैली का अत्यधिक विकास हुआ। 19 क्वेश्चन देखिए कि महाराणा अमर सिंह के समय ही मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो यह ग्रंथ था रागमाला, जो कि 1605 ईस्वी में यह ग्रंथ जो है वह चित्रित किया गया, और इसके जो चित्रकार हैं वो है निसारुद्दीन। कौन है? निसारुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ में किस शासक का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? मेवाड़ में किस शासक का काल जो है वह मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राणा जगत सिंह प्रथम के समय को। क्या कहा जाता है? लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार हैं।
राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? शहाबुद्दीन और मनोहर, ये दोनों चित्रकार राणा जगत सिंह के समय के हैं। क्वेश्चन 22 है, किसने अपने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की? किसने अपने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की? तो राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला स्थापित करने वाले महाराणा जगत सिंह, जिसे तस्वीरारों कारखानों पुकारा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर बहुत हार्ड लग रहे हैं, तो उनको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना चाहिए जो कि मैंने आप लोगों को चैनल पर पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग पहले चैप्टर पढ़िए, बिल्कुल सीरीज वाइज ही चैप्टर पढ़ाए गए हैं और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन जो है वह निकाले गए हैं, तो जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 23 है, किसके काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा, इनके लतीफे, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे ग्रंथ प्रमुख थे? किसके काल में? तो यह महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह के समय के हैं गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे ग्रंथ। किसके काल के हैं? महाराणा संग्राम सिंह के काल के। क्वेश्चन 24 है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ कहाँ पर है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ कहाँ पर है? यह नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, कमला और इलायची। ये दोनों स्त्री चित्रकार हैं, कमला और इलायची, ठीक है। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम और इसके अलावा कमला और इलायची। देवगढ़ शैली का जन्म किसके काल से माना जाता है? देवगढ़ शैली का जन्म किसके काल से माना जाता है? तो यह माना जाता है महाराणा जयसिंह के काल से। देवगढ़ शैली का जन्म जो है वह महाराणा जयसिंह के काल से माना जाता है। नेक्स्ट है, देवगढ़ शैली किन शैली का समन्वित रूप है? तो किन किन शैलियों का समन्वित रूप देवगढ़ शैली है? यह मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली, इन तीनों का समन्वित रूप जो है वह देवगढ़ शैली है। नेक्स्ट 28 है कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो ये हैं बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, चोखा और बैजनाथ। दोबारा सुनिए, देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, चोखा और बैजनाथ। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय जो है वह किसे जाता है? तो यह जाता है मालदेव को, ठीक है। याद रखिएगा, मालदेव किस कहाँ के हैं? मारवाड़ के। कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय जो है वह मालदेव को जाता है। जोधपुर शैली के चित्रकार डालचंद किसके शासनकाल में थे? जोधपुर शैली के चित्रकार डालचंद किसके शासनकाल में थे? तो ये थे महाराणा अभय सिंह के काल में, ठीक है। डालचंद जो है वह महाराणा अभय सिंह के काल में एक प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार डालचंद के चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो डालचंद जो कि महाराजा अभय सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार रहे हैं, इन्होंने चित्र तैयार किया महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए। तो ये चित्र जो है वह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? यह मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कहाँ है? जोधपुर में। और दूसरा कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जो कि जयपुर में है, यहाँ भी सुरक्षित है। किसने तैयार किया, ये प्रमुख चित्रकार कौन है? डालचंद। तो आज हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे 32 से। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन जो भी क्वेश्चन है इनको अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, जिससे कि ये आपको बिल्कुल एकदम जैसे आप गाना सुनते हैं इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।